जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका नवा वचन। वचन कहता है, पर जैसा लिखा है, जिन बातों को आंख ने नहीं देखा न कान ने सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। दोस्तों, यह वचन हमें क्या बताता है? वचन बताता है कि हम यीशु में कौन है। वचन हमें दिखाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। हमारी आंखें सांसारिक चीजों में लगी रहती हैं। हम सांसारिक चीजों की ओर अपने दिमाग को दौड़ाते हैं, अपनी इच्छाओं को लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप में वचन कहता है, पौलुस कहता है कि जिन आंखों को आपने जो देखा नहीं होगा, जो सुना नहीं होगा, जिसके बारे में आपने विचार नहीं किया होगा, वो सारी चीजें आपके लिए, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपके लिए परमेश्वर ने रच दी हैं। हमें तैयार कर दिया है ताकि हम उस चीज को पाए। वो हमसे इतना प्रेम करता है। हालेलुया। इसीलिए इफिसियों की पत्री में उसने क्या लिखा हुआ, 3:20 में, कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। कौन सा सामर्थ्य? जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है। वो सामर्थ्य परमेश्वर का है जो हमारे अंदर है, और उस सामर्थ्य के द्वारा हम अपनी कल्पना से भी ज्यादा, विचारों से भी ज्यादा वो कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो दृष्टि है वो संसारी चीजों में ना लगे। हालेलुया। हमारी दृष्टि उन चीजों पर लगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। इसलिए जो याकूब है वो दुखी है। याकूब 4:3 में दूसरे में कहता है कि लालसा, तुम जब लालसा करते हो तो नहीं पाते हो, क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, क्योंकि तुम मांगते हो बुरे उद्देश्य से। लालसा लालच को प्रकट करती है। वो कहते हैं मांगो। जब हम लालसा करते हैं, जब हम लालच करते हैं, तो हम नहीं पाते हैं, तो हम परमेश्वर के चरित्र से दूर हो जाते हैं। यही तो हथियार है शैतान के। 1 यूहन्ना 2:16, शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और बुद्धि का घमंड, ये शैतान के हथियार है, और इनका उपयोग वह हमारे जीवन में करता है। अगर आप कमजोर हैं, अगर आपकी दृष्टि उन चीजों पर नहीं है जो स्वर्गिक हैं, अगर आपकी दृष्टि उन चीजों पर नहीं है जो परमेश्वर ने आपके लिए रची हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो मेरे भाई, आप उस सामर्थ को, आप उस सुख को जो धरती पर ही आपको मिलेगा, उस सुख को आप सहन नहीं, उस सुख को आप चख नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए वो सुख रच चुका है। रचने वाला नहीं है, रच चुका है। लेकिन उसको हम कैसे जानेंगे, हम उसको कैसे जानेंगे? देखिए 1 कुरिन्थियों 2:11, क्योंकि ये आत्मा पर प्रकट हो चुका है। 2:10 में क्या लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया है। लेकिन 2:11 कहता है कि मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य के विचार को जानता है? केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। इसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा को छोड़ परमेश्वर के विचार कोई नहीं जानता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए परमेश्वर ने क्या रचा है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात परमेश्वर ने आपके लिए रची है, तो आप उसकी आत्मा से पूछिए। वो आत्मा जो हमारे अंदर है, यानी कि बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है कि आपकी आत्मा जानती है कि आपके मन में क्या है, मेरी आत्मा जानती है कि मेरे मन में क्या है, इसीलिए उस भाई की आत्मा जानती है कि उसके मन में क्या है, इसीलिए परमेश्वर की आत्मा जानती है कि परमेश्वर के मन में क्या है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या रचा है, और परमेश्वर की आत्मा कहाँ है इस समय, हमारे अंदर। इसलिए हम भली भांति उस आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर की है, हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने ऐसी कौन सी चीज हमारे लिए रखी है, कौन सा आशीष, कौन सा उद्धार, कौन सी मुक्ति, कौन सा सामर्थ हमारे लिए रख छोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने हमें देना चाहता है। और हम भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं सांसारिक चीजों में, हम भटक रहे हैं उन विचारों की तरफ जो परमेश्वर के नहीं है। हालेलुया। इसलिए आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तो हमसे बहुत प्यार करता है, और तूने हमें अद्भुत आशीष दी है, और तूने हमसे प्रेम किया है, और हमारे लिए ऐसी चीजों को रचा है जो ना हम देख सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना सुन सकते हैं, लेकिन तू ही है, तू ही जानता है उस सामर्थ को, तू ही जानता है उस प्रिय चीज को जो हमारी है। आइए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। धन्यवाद सुनने और देखने वाले भाई बहन के लिए आशीष मांगते, सुख मांगते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि वो बुद्धि
खोले परमेश्वर ताकि हम संसारिक चीजों की तरफ ना भागें, हम उस स्वर्गीय चीजों की तरफ भागें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रचित दी है। धन्यवाद।